चलो। मैं सहायक आचार्य हबीब खान बांगड़ कॉलेज डीडवाना, मीरा का जीवन वृत्त और व्यक्तित्व विषय पर आज अपन चर्चा करेंगे। मीरा रावदूता जी के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। माता का नाम वीर कंवर और मिश्र बंधुओं ने इनका जन्म है वो 1573 ईस्वी के आसपास माना है। जन्म स्थान मेड़ता बाजोली गांव। कृष्ण प्रेम बचपन से ही। माता विवाह का एक प्रसंग जो साधु की मूर्ति दिए जाने के प्रसंग के साथ में याद किया जाता है। मीरा का जीवन वहाँ से एकदम बदल गया। मीरा किसी संत द्वारा दिए गए नाम प्रतीत होता है। अधिकतर विद्वानों की यही राय है। 10 वर्ष की अवस्था में लौकिक स्वभाव उजड़ जाने के बाद संवत 1583 के लगभग भोजराज की जब मौत हो गई तो मीरा का एक जीवन सौभाग्य तो उनका लूट गया, लेकिन गिरधर की अखंड सौभाग्य का रंग सदा के लिए उन पर छा गया। उनका जीवन समस्त सांसारिक राग विरागों से मुक्त होकर अपने आराध्य के प्रति एकनिष्ठ हो गई। मीरा के किसी भी पद में पति शोकजन्य उद्गार नहीं मिलने का यही कारण है। जीत स्वामी से मिलने की भी एक घटना का वर्णन मिलता है। मीरा के प्रत्युत्तर में जब जीत स्वामी ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया कि वो किसी पुरुष से नहीं मिलना चाहते हैं, तो मीरा का जो उत्तर था वो देखने लायक है कि आज उसे पता चलता है कि मीरा कितनी स्वाभिमानी और कितनी बेवाक जवाब देने वाली औरत थी। उसने कहा कि इस दुनिया के अंदर पूर्ण पुरुष तो कोई है ही नहीं भगवान कृष्ण को छोड़ करके, और जीत स्वामी के इस औरतों से नहीं मिलने के जो उनका घमंड था उसको उन्होंने ख़त्म किया। दर्द की दीवानी मीरा को जब चैन नहीं मिला तो कृष्ण की कर्म भूमि द्वारिका पहुंच गई। मंदिर से अदृश्य हो जाना, मूर्ति में समा जाना, ये कहाँ तक सत्य है, लेकिन ये विवादित भले ही हो सकता है, लेकिन संवत 1610 के आसपास मीरा की जीवन लीला समाप्त हो गई। प्रेम पीड़ा अपने मर्म कह देने में समर्थ है, लेकिन गिरधर के हाथों बीकी मीरा ने अपने मोल लेने का सामर्थ्य कौन जान सकता है। मीरा सगुण उपासक थी, निर्गुण पंथ से भी लोग उनका संबंध जोड़ते हैं, नाथपंथी लोग अपनी गुरु परंपरा से उनका संबंध जोड़ते हैं। मीरा एक अत्यंत उदार मनोभाव उत्पन्न करने वाली थी। वह किसी पंथ विशेष के आग्रह पर नहीं थी। केवल फूल चढ़ा देना पूजा नहीं है, मन में भावना नहीं है तो मानो पत्थर पर चढ़ाया गया फूल भी कोई मतलब नहीं रखता। असली वस्तु भावना है। सगुण निर्गुण, कर्म प्रतीति, ज्ञान भक्ति, ये सब चीज़ें एक रूप ही है और दोनों का अंतिम अनुभव एक ही है। गीता के इस वचन को मीरा ने आत्मसात किया। प्रेम के लिए प्रिय का विरह एक वरदान है और विरह की वृत्तिका ही प्रेम की लो को सतत प्रज्वलित करती रहती है, जिसके कारण एक क्षण के लिए भी प्रिय का विस्मरण नहीं हो पाता। विरणी का ये रात दिन में कोई अंतर नहीं है। रात को पूरा जगत सुख की नींद में सोता है, परंतु एक प्रेम की वियोगिनी तो आंखों में उसके नींद कहाँ रह सकती है। वह रात रात भर जागकर आंसुओं की माला पिरोती रहती है, नयनों से जलते दीपकों से प्रीतम को निरखती रहती है। वियोग में प्रिय का संदेश ही एकमात्र संदेश संबल होता है, जिसके सारे वे योग की घड़ियाँ काटा करती है। लेकिन मीरा इस सौभाग्य से ही वंचित रहती है। पावसागमन पर प्यासे पपैये को स्वाति की बूंद गिर गई। निगाह से तपित धरणी को सावन की सरस फुहार मिल गई, किंतु श्याम के वियोग में पीड़ित मीरा को सुख नहीं, घड़ी नसीब नहीं हुई। मीरा सचमुख प्रेम की दीवानी थी। कृष्ण के दिव्य और अलौकिक उन्माद में डूबी ध्यान में तन्मय होने पर उनको शुद्ध बुद्ध खो देती थी। अपने सर्वांत करण में प्रियतम के चरणों में समर्पित मीरा तब हर्ष विभोर होकर के नाचती थी। उस नृत्य की एक एक ताल पर सत सत केवल्य नौछावर होते थे। नूपुरों की एक एक झनकार पर भक्ति की अनंत संपदाएं नौछावर होती थी। उस प्रेम की दीवानी ने मृत्युंजय अधरों के स्पर्श से जीवन की गरल को अमृत बना दिया। भगवती पार्वती की भांति उस प्रेरणा उन्मादिनी के प्रणय लाश्य की कुछ ऐसा ही अपूर्व था। प्रियतम के मिलन बेला से बढ़कर आनंद मंगल की शुभ घड़ी और क्या हो सकती है। प्रिय के आगमन के साथ ही मीरा के जन्म जन्मांतर सफल हो जाते हैं। प्रिय आगमन से पूर्व का विरह ऐसा ही होता है, मिलन के पश्चात तो ये विरह और भी बढ़ जाता है। दीर्घ प्रतीक्षा के उपरांत आए प्रियतम का मानो आ जाना विरहने के लिए मर्मांतक साबित होता है। मीरा अपने अनेक पदों में प्रियतम को छोड़कर न जाने के आग्रह करती है। मीरा अपने पदों में जोगिया, गिरधर,
गोपाल आदि संबोधित करती है। कहीं कहीं दूतराज होगी, आर्य नाओं से भी संबोधित किया जाता है। प्रेम मनोविज्ञान के अनुसार ये उपालब्ध प्रीति के आधिक्य की व्यंजना करते हैं। प्रेम चाहता है कि उसकी चिता भी प्रिय के हाथों में प्रज्वलित हो, ताकि मरण में भी वह प्रियतम के साथ कर स्पर्श के गौरव से वंचित न हो। मीरा का प्रेम इसी उदात्त भावना और आत्मसमर्पण की मनोभूमि पर स्फुटित हुआ है। प्रेम की लगन लगाकर जब प्रियतम दर्शन नहीं हो देता तो धीरे का बांध टूटना स्वाभाविक है, तब मन आर्त होकर बिखर पड़ता है। इस प्रकार मीरा के पद वीर दग्ध हृदय की सफल उद्गार है। अपने अंतिम समय में भी मीरा का यही पुकार थी कि सजन शुद्ध जो जाने जो लीजिए हो। मीरा के इन पदों में गिरधर नागर मिलन बिछुड़न मत लीजिए। निश्चय ही मीरा कृतकाम हो गई, अपने जन्म जन्मांतरों की साधना पूरी हुई, प्रियतम का चिर सामीप्य प्राप्त हो गया। जीवन भर जिस प्रियतम के मिलन के लिए दग्ध रही वह उसे मरणोपरांत भी प्राप्त हुआ। प्रीति के सर्वोच्च शिखर पर हृदय की उस उन्मादिनी ने अपने वीरे को विकल विहा गया है वह सर्वथा प्रीतम है। मीरा का जीवन लेखक जर्मन लेखक हरमन मोल्टार्ड ने इनके बारे में लिखा है कि मीरा एक बहुत बड़ी कवियत्री थी।